नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दुनिया में आपने अपराध के तमाम ऐसे किस्से सुने होंगे जिसमें अपराधी के बारे में जानकर आप हैरान रह गए होंगे। किसी का मर्डर करने का यूनिक तरीका, किसी का अपराध करने की डिफरेंट शैली, किसी के अपराध करने की इतनी जघन्यता कि जिसको देख करके आप हैरान रह जाएं, और कोई कत्ल करने के इतने अलग और नायाब तरीके इस्तेमाल करता या अपराध करने के ऐसे तरीके इस्तेमाल करता कि जिसको जानकर लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन यकीन जानिए, आज कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उस कहानी में किरदार को जानकर के आप हैरान हो जाएंगे। किरदार यानी वो अपराधी जिस पर ये कहानी आधारित है। आपने अपराध के तमाम ऐसे किस्से सुने होंगे जिसमें बेदर्द अपराधी, कोई गैंग, कोई छटा हुआ आतंकवादी, कोई बहुत बड़ा माफिया, ये लोग शामिल रहते हैं। लेकिन आज की कहानी का किरदार, आज के किस्से का असली अपराधी जो शख्स है, वो जान करके आप बेहद हैरान हो जाएंगे। हैरानी नहीं बल्कि आप परेशान हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये कहानी आपको सुनाएं, उससे पहले हम आपको इसके पीछे की पूरी पटकथा बताते हैं। दरअसल बिहार में एक जगह है, उसका नाम है बेगूसराय। बेगूसराय में एक मुसहरी गांव है, बहुत छोटा सा गांव जहां ज़्यादातर लोग गरीब लोग रहते हैं और छोटा मोटा धंधा करके वहां पर अपना काम चलाते हैं, परिवार पालते हैं। बात है 2006-2007 की। वहां पर तमाम जैसे गाँव में होता है कि बच्चे एक जगह खेल रहे हैं, सब परिवार वाले काम करने के लिए जा रहे हैं, माँ बाप मजदूरी करते हैं या फिर और कोई काम करते हैं, तो बच्चे जो गरीब गांव में गरीब घरों के बच्चे होते हैं वो आमतौर पर स्कूल नहीं जाते, तो दिन में भी वहाँ मोहल्ले में, गली में, गांव में खेलते रहते हैं और एक साथ खेलते रहते हैं। ऐसा ही नज़ारा था 2006-2007 के आसपास की बात है। और इस ग्रुप में 15-20 बच्चे होंगे जिसमें आसपास के घरों के सब बच्चे इकट्ठे मिल करके कुछ खेलते रहते हैं। ऐसा ही नज़ारा था। सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, खेलते खेलते कोई बच्चा बीच में घर गया, फिर वापस खेलने चला आया, लेकिन शाम होते होते सब अपने घरों में चले जाते थे क्योंकि माँ बाप काम से लौट आते थे और बच्चे भी खेल के थक चुके थे और अगले दिन के इंतज़ार में घर में जाके सोने की कोशिश करते थे। लेकिन 2006 की शाम को ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दिन में बच्चे खेल रहे थे, शाम को बच्चे जब अपने घरों में पहुँचे तो एक बच्चा अपने घर नहीं पहुंचा। जब बच्चा घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वाले कुछ देर इंतज़ार करते रहे, आसपास के बच्चों से पूछताछ शुरू की, घरों में ढूंढाई शुरू हुई, लेकिन वो बच्चा मिला नहीं। लोगों को डर लगने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं बाहर गांव के निकल गया, वो कहीं भटक गया या किसी दुर्घटना का शिकार हो गया, या फिर कई बार ऐसा होता कि बच्चे खेलते खेलते सो भी जाते हैं, तो ये भी शंका थी। लेकिन रात होने वाली थी लिहाजा परिवार वाले बहुत परेशान हो रहे थे। अब परिवार के लोग टॉर्च लेकर के, लाइट लेकर के ढूंढने के लिए निकले। सारे गांव के घर ढूंढ डाले गए, 200-300 घर थे, वहां जानकारी मिल चुकी थी। 2006-07 में मोबाइल्स भी होते थे और गांव में कम लेकिन वैसे मोबाइल्स मिलते थे, लैंडलाइन फ़ोन भी था, तमाम फ़ोन के ज़रिए से या मोबाइल के ज़रिए से भी पता करने की कोशिश हुई, लेकिन कहीं भी इस बच्चे का पता नहीं चला। रात हो गई, लोगों ने फैसला किया कि पुलिस को इत्तला दी जाए, लेकिन गांव से पुलिस स्टेशन दूर था, लिहाजा ये हुआ कि रात भर ढूंढने का काम किया जाए, उसके बाद हम सुबह पुलिस वालों के पास जाएंगे। रात में ढूंढने के दौरान दूसरे गांव से मिले हुए रास्तों में भी ढूंढने की कोशिश हुई, पास में छोटा सा जंगल था वहां भी तलाश की गई, लेकिन बच्चा नहीं मिला। अब किसी अनहोनी की आशंका से परिवार वाले उसके परेशान थे और वो सोच रहे थे कि हो ना हो या तो बच्चा गाँव से निकल के बाहर कहीं चला गया या फिर उसके साथ कोई ना कोई ऐसी अनहोनी हो गई जिससे उसकी जान को खतरा है। बच्चे के गायब होने से माँ बाप का बुरा हाल था, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अब इस घटना का अगला दिन भी आ गया, पुलिस वालों के पास गए, पुलिस वालों ने ध्यान नहीं दिया और उसके बाद परिवार वालों को ये कह करके भेज दिया कि चलिए हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है कि पुलिस वाले ऐसे मामलों में बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करते, क्योंकि अगर बच्चा बड़ा हो तो मानते हैं कि अपनी इच्छा से भाग गया होगा, अगर लड़की हो तो मान लेते हैं कि वो शायद किसी अफेयर में भाग गई होगी, और छोटा बच्चा हो तो उनको लगता है कि ये तो ध्यान देने लायक ही नहीं है। लिहाजा ये मामला भी उसी तरफ जा रहा था, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है छोटे बच्चों के गायब होने के मामले में फौरन कार्रवाई करने की, जिससे कि पता चल सके कि आखिरकार बच्चा गया कहाँ, क्योंकि शुरुआत के जो 24 घंटे हैं कानून भी कहता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी गुमशुदगी के मामले में। बहरहाल उस बच्चे की तलाश जारी थी, परिवार वाले, गांव वाले ढूंढ रहे थे,
पुलिस भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी, लेकिन 2-3 दिन गुजर जाने के बाद भी बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता चला। अभी इस बच्चे की तलाश चल ही रही थी तभी एक हादसा और हो गया। इस बार दिन में खेलते खेलते एक बच्चा और गायब हो गया। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से घर से खेलने के लिए निकला, बच्चों के साथ खेल रहा था, लेकिन फिर कहाँ गया किसी को नहीं पता। और पता चलना तो दूर की बात है, और उस बच्चे के बारे में किसी को ये भी नहीं आइडिया कि किससे बात कर रहा था या किससे मिला या कौन आया, यानी कि किसी तरीके का कोई सुराग नहीं, किसी पर कोई शक नहीं, किसी पर कोई शुबा नहीं, और वो बच्चा गांव से गायब हो चुका था। अब उसकी भी तलाश शुरू हुई, पहले वाले बच्चे के साथ इस बच्चे को भी तलाशा जा रहा था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 2-3 दिन गुजर चुके थे, पुलिस भी अपनी माथापच्ची कर रही थी, गांव के लोग हर तरीका इस्तेमाल कर रहे थे। अब उनको इस बात का शक होने लगा कि आसपास के गांव में कोई बच्चा चोरों का गैंग है, शायद वही बच्चों को चुरा कर ले जाता है। लेकिन किसी ने किसी को बाहर वाले को आते जाते नहीं देखा, किसी पर कोई शक नहीं, गांव पे पहरा दिया जा रहा था, जिसकी वजह से ये भी नहीं संभव था कि कोई नज़र बचा कर आ गया हो। लेकिन बच्चे तो गायब हो रहे थे, 2 बच्चे गायब हो चुके थे, परिवार वाले का हाल बुरा था, लेकिन कोई सुराग मिल ही नहीं रहा था। उसके बाद इन लोगों के मन में विचार ये आया, कहीं ऐसा तो नहीं पास के जंगल से कोई ऐसा खतरनाक जानवर आता है जो बच्चों को शिकार बना करके आनन फानन में गायब हो जाता है। क्योंकि छोटे बच्चे खेलते हैं इसीलिए वो ज़्यादा बता भी नहीं पाते और उनकी नज़र में भी नहीं आता, इसीलिए कहीं ऐसा यह मामला तो नहीं कि कोई आदमखोर जानवर यहाँ इस इलाके में टहल रहा है और वो एक एक करके बच्चों को शिकार बना रहा है। अब गाँव वालों ने तय ये किया कि अब गाँव में पहरा दिया जाएगा। पहरा यानी कि रात में घरों के ऊपर लोग मशाल लेकर के पहरा देंगे, गलियों में पुरुष लोग टहलेंगे। तय ये किया गया कि जो महिलाएं काम करने के लिए जाती हैं अब वो काम पर नहीं जाएंगी, बल्कि घर में बैठकर बच्चों को संभालेंगी, क्योंकि अगर वो घर में रहेंगी तो बच्चे उनकी नज़रों के सामने रहेंगे और इस तरह के खतरे से निजात मिलेगी। 1 हफ्ता गुजर गया इस व्यवस्था को किए हुए, लोग लगातार पहरा दे रहे थे, महिलाएँ घर में बच्चों को देख रही थी, अपने सामने खेलने के लिए ग्रुप में भेजती थी और सब कोई अपने बच्चों को वापस खुद लेने जाता था। लेकिन इन सब के बावजूद एक दिन फिर से करीब 15 दिन गुजर जाने के बाद फिर से ऐसी ही घटना हो गई, एक बच्चा फिर गायब हो गया। अब लोगों की हैरानी का आलम आसमान पर था, क्योंकि बच्चा फिर से गायब हो चुका था और फिर वही सिलसिला। बच्चे गाँव में खेल रहे थे, खेलते खेलते अचानक से एक बच्चा गायब हो गया, किसी को नहीं पता कि आखिरकार वो बच्चा गया कहाँ। अब सारे लोग इतने परेशान हो गए कि उन्होंने गांव के बाहर धरना दे दिया, सड़क बंद कर दी। पुलिस पहुंची तो थाने में धरना दे दिया कि उनके बच्चे गायब हो रहे हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चल रहा है। अब पुलिस पहली बार एक्टिव हुई और उसने सर्च करना शुरू किया। गांव के पास में जितने खेत थे, जितनी जुड़ी हुई सड़कें थी, जितने आसपास के गाँव की बाउंड्रीज थी, वहाँ पर तलाश शुरू हुई। हैरानी की बात यह है कि रात में एक दिन पुलिस की गश्ती टीम को एक बच्चा मिल गया। आनन फानन में गांव वालों को इत्तला की गई कि एक बच्चा उनका मिल गया है, इसकी शिनाख्त की जाए, तो पता चला कि जो सबसे पहले बच्चा गायब हुआ था ये उसकी लाश थी, बुरी तरह से कुचली हुई लाश थी, किसी ने किसी बुरी तरीके से उसको प्रताड़ना दी थी। ये देख करके घर वाले बिल्कुल भाव विह्वल हो गए, रोने लगे। किसी तरह से उनको लोगों ने समझाया, फिर पुलिस ने अपनी जाँच शुरू की। पुलिस को शक इस बात का था कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी गैंग का निशाना बना हो, बच्चे के शरीर को छत विछत कर दिया गया हो और उसके अंगों को निकाल लिया गया हो। लिहाजा लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो डॉक्टरों ने इस बात से इनकार कर दिया। डॉक्टरों का कहना यह था कि भले ही इसका शरीर छत विछत हो चुका है, लेकिन अंगों की तस्करी का यह मामला नहीं है, क्योंकि सारे के सारे वाइटल ऑर्गन्स अंग उसके सुरक्षित हैं। लेकिन इतने दिनों से बच्चा गायब था, हो सकता है किसी जानवर ने भी इसको बाद में निशाना बनाया हो, इसीलिए इसकी लाश की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। बहरहाल उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया और बाकी बच्चों की तलाश शुरू हो गई। देखते ही देखते दूसरे और तीसरे बच्चे की भी लाश पास के गांव में एक खेत में एक झुरमुट में लोगों को मिल गई। उन दोनों बच्चों की लाशों का भी वही हाल, लाश को छत विछत किया गया था और उसके अलावा उससे पहले जब जांच हुई मेडिकल की तो पता चला कि उससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी, और मौत होने के बाद लाश का ये हाल हुआ था, ये हश्र हुआ था। इस बार भी लोगों ने माना कि शायद जानवर ने बाद में किसी तरीके से अटैक किया हो, लेकिन लोग ये भी सोच रहे थे कि आखिरकार कत्ल कौन कर रहा है, क्योंकि न तो किसी से दुश्मनी है, न तो कोई गांव से बाहर से कोई आता है,
यहाँ के गांव के लोग आपस में ही मतलब रखते हैं, बाहर कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन लोगों के सवालों के बीच जवाब कुछ भी नहीं था। पुलिस ने जिन लोगों के बच्चे मारे गए थे उनके परिवार वालों से बात किया, उनसे जानने की कोशिश की कि कहीं किसी से दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन सब ने इस बात का इनकार किया, इस बात से इनकार किया कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। अब मामला पेचीदा होता जा रहा था। गांव से बच्चे गायब हो रहे थे और किसी को न तो वजह पता चल रही थी, न तो कोई ऐसा सुराग मिल रहा था जिससे कि साफ हो सके कि आखिरकार इन बच्चों को निशाना बना कौन रहा है। इसी ऊहापोह में करीब महीने दो महीने बीत चुके थे और गांव से अब तक 5 बच्चे गायब हो चुके थे। 5 बच्चे जिनकी उम्र 5-6 साल से लेकर के 7-8 साल तक ही थी। यानी इस उम्र के बच्चे जिनको कोई क्यों निशाना बनाएगा, कोई क्यों इतनी बेदर्दी से मारेगा, ये कोई समझ नहीं पा रहा था। लेकिन बच्चे गायब हो रहे थे, ये सच था। गांव में खेलते खेलते घरों के बाहर से गायब हो रहे थे, ये भी सच था। लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं चल रहा था, ये सबसे कड़वा सच था। और इसी बात की हैरानी परिवार वालों और गांव वालों को थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे मामले में एक नया मोड़ ला दिया। अभी गांव से तमाम बच्चे गायब हो रहे थे और उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। एक परिवार था, उनके यहाँ 2 बेटियाँ थीं और 1 लड़का था। लड़के की उम्र 8 साल की थी और बेटियों की उम्र 5 और 6 साल थी। अचानक देखते देखते वो दोनों बेटियाँ भी गायब हो गईं। उनको भी गायब कर दिया गया था। उनके साथ भी वही कुछ हुआ जैसा बाकी बच्चों के साथ हुआ था। बेदर्दी से पहले किसी ने कत्ल किया, शरीर को छत विछत कर दिया और दोनों बच्चियाँ खेलते खेलते गायब हुई थीं। अब समझ लो गांव में इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दर्द और डर इतना ज़्यादा फैल गया कि लोगों को सहन करना मुश्किल हो गया। लगातार बच्चे गायब होते जा रहे थे और कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि आखिरकार इनको कौन शिकार कर रहा है, कौन निशाना बना रहा है और आखिरकार उसका मकसद क्या है। इस बच्चे का नाम था अमरजीत सदा। सदा की उम्र 8 साल की थी और 1998 में पैदा हुआ था। 2006-07 का वक्त चल रहा था और इसी गांव यानी मुशहरी गांव से लगातार बच्चे गायब हो रहे थे। ये बच्चा एक दिन दोपहर में अपनी माँ के साथ सो रहा था और सोते सोते वो नींद में कुछ बुदबुदाने लगा। पहले तो माँ ने समझा कि आमतौर पर छोटे बच्चे नींद में कई बार खेलने कूदने की बातों को याद रख करके उसी को बड़बड़ाते रहते हैं या बेख्याली में भी बहुत सारी बातें बोलते हैं। छोटे बच्चे हंसते हैं, रोते हैं और तमाम की हरकतें भी सोते हुए करने लगते हैं। लिहाजा माँ ने पहले उसको नज़रअंदाज किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने महसूस किया कि ये जो बच्चा बोल रहा है ये नींद में नहीं है, ये साफ साफ बोल रहा है। ये सोच करके महिला ने अपने बच्चे पर ध्यान देना शुरू किया कि आखिर देखें बोल क्या रहा है। लेकिन अमरजीत जो बुदबुदा रहा था वो बेहद डरावना और हैरान करने वाला था। अमरजीत बता रहा था कि उसने सारे बच्चों को खुद अपने हाथों से मारा है। ये सुन करके माँ ने पहले सोचा कि शायद बच्चे के मन पर असर हो चुका है इन घटनाओं को देख करके, लिहाजा वो कुछ भी बोले जा रहा है या फिर वो अंदर से इतना डर गया है कि कुछ भी बोलने की कोशिश कर रहा है, उसके दिमाग पर इस बातों का असर हो गया है। सदानंद दरअसल बेहद इंट्रोवर्ट लड़का था। इंट्रोवर्ट यानी किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करना, ना तो किसी से दोस्त। लोगों के साथ भी अगर खेलने जाता था तो वो उनसे घुलता मिलता नहीं था। घर में भी अकेले ही बैठना उसको पसंद था। जिस उम्र में लोग गुड्डे गुड़िया, खिलौने, मिट्टी और तमाम दूसरी चीज़ों से खेलते हैं, उस उम्र में भी वो शांति से अकेले बैठा रहता था। माँ बाप इस बात को लेकर के परेशान रहते थे, लेकिन उनको इस बात की उम्मीद थी कि जब वो बड़ा होगा तो शायद उसका बिहेवियर नॉर्मल हो जाएगा। डॉक्टर को भी दिखाया गया, लेकिन गरीबी में जितना ख्याल रखा जाता है उतना ही ख्याल रख पा रहे थे वो लोग, क्योंकि काम धंधे पर भी जाना होता था और बच्चा मिलनसार नहीं था, यही मान करके उन लोगों ने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया था। इस अकेले बैठने और अकेले ही खेलने की बात के अलावा उसके अंदर कोई ऐसी एबनॉर्मल चीज़ नहीं थी, लिहाजा घर वालों ने भी बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जो कम बोलने वाला बच्चा, जो कि आमतौर पर किसी से कुछ भी नहीं बोलता था, अपने मन में अपनी जुबान में बड़बड़ा रहा था कि मैंने ही इन सब बच्चों को मारा है। ये सुन करके उसकी माँ का कलेजा मुँह को आ गया, उसको घबराहट होने लगी, डर लगने लगा। लेकिन वो चाहती थी कि इस बात की सच्चाई जाने कि ये ऐसे ही बड़बड़ा रहा है कि या फिर कुछ और बात है। उसने अपने बच्चे से पूछा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, जो बोल रहे हो उसको साफ बोलो। तो उसने एक ऐसी ख्वाहिश माँ को बताई जिसके चलते उसको और ज़्यादा हैरानी हुई। दरअसल अमरजीत ने अपनी माँ से कहा कि पहले मुझे बिस्किट खिलाओ,
फिर मैं बताऊंगा कि क्या हुआ है। अब माँ की हैरानी की बारी थी, लेकिन ये अजीबोगरीब फरमाइश सुन करके उसने सोचा कि शायद बच्चा भूखा है और वो चाहता है कि कुछ बताए और कुछ बात हो, उसकी सच्चाई भी जानना जरूरी थी, लिहाजा उसने बिस्किट निकाल कर दे दिया। अमरजीत बिस्किट खाता जा रहा था और जो कहानी बता रहा था वो बेहद हैरान करने वाली थी। इस पूरी कहानी को सुन करके माँ को बहुत डर लगा। उसने अपने आप को किस तरह समेटा, भाग करके अपने पति के पास गई, उसको भी वही बात बताई, लेकिन इस बात को पति ने माना नहीं। उसका कहना यह था कि ये बकवास कर रहा है, बेकार की बात कर रहा है, इसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन जिस सिलसिलेवार तरीके से, जितनी डिटेल के साथ अमरजीत पूरी कहानी बता रहा था, पिता को इस बात पर यकीन तो नहीं हो रहा था कि वो इस तरह की हरकत कर सकता है, लेकिन चूंकि मामला इतना गंभीर था, कई बच्चे गायब हो चुके थे, लिहाजा उसने खुद फैसला नहीं बल्कि पुलिस को इसमें इन्वॉल्व करने की सोची। उसने आनन फानन में गाँव के बड़े बुजुर्गों को लिया, अपने बच्चे को यानी अमरजीत को लिया और पुलिस स्टेशन चला गया, ताकि ये साफ हो सके कि आखिरकार जो ये लड़का कह रहा है उसमें सच्चाई है या फिर डर उसकी वजह से ये सब बकवास कर रहा है। क्योंकि उसको इस बात की भी चिंता थी कि कहीं ऐसा तो नहीं इन घटनाओं ने अमरजीत के दिमाग पर असर कर दिया है। अमरजीत पहले ही डिफरेंट तरह का लड़का था, किसी से मिलता जुलता और बातचीत नहीं करता था, और ऐसे में इस घटना के बाद जो शामिल हो रहा है, इसमें जो बात कर रहा है, वो और ज़्यादा परेशान करने वाली थी। लेकिन हैरानी का एक बड़ा सिलसिला भी बाकी था। अब गांव के तमाम बाकी लोग भी पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे, अमरजीत अपने बाप के साथ वहां पहुंच चुका था, और पुलिस का जो थाना था वहां थाने के लोग भी वहां बैठे हुए थे। पुलिस ने उससे पूछताछ करनी शुरू की, आखिरकार तुम क्या कह रहे थे, तुमने ये जो बात बताई वो उसमें क्या सच्चाई है, क्या वाकई तुमने कुछ किया है या फिर तुम्हारे मन का फितूर है या तुमने कोई कहानी गढ़ी है। प्यार से उससे पूछने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि 8 साल का बच्चा था, कोई उससे सख्ती नहीं कर सकता था, और कम से कम गांव वालों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, जिनके माँ बाप परिवार वाले गांव वाले वहाँ मौजूद हैं। लिहाजा पुलिस भी प्यार से पूछ रही थी, क्योंकि पुलिस के लिए भी हैरानी की बात थी कि जो बच्चा बता रहा है उसमें सच्चाई कितनी हो सकती है या वाकई ये कोरी कल्पना है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब कई बातों का जवाब उसने नहीं दिया तो पुलिस वाले को गुस्सा आ गया और उसने उस लड़के को डांटना शुरू किया। डांटना शुरू करते ही जैसे उसने उसको बोला कि अगर तुमने बात सच नहीं बताई कि आखिरकार क्या है तो तुमको मैं यहीं जेल में बंद कर दूंगा और तुम्हारी पिटाई भी करूंगा। इतना बोलने के बाद लड़के ने बोला कि मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मुझे खाने के लिए पहले बिस्किट चाहिए। ये बड़ी अजीबोगरीब फरमाइश थी जैसे उसने अपने माँ से की थी, लेकिन पुलिस वाले ने भी सोचा कि चलो कम से कम सच्चाई पता चलेगी या आगे बच्चा खुल के कुछ बताएगा। लिहाजा दौड़ करके एक पुलिस वाला बिस्किट का पैकेट लेकर के आया, उसको पानी दिया गया और बिस्किट दिया गया। बिस्किट खाते खाते अमरजीत ने जो कहानी बताई वो सबके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी थी। दरअसल अमरजीत ने बताया कि मैं बचपन से ही किसी से मिलना जुलना और किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लोगों की हंसने की आवाज़, लोगों के खेलने की आवाज़ दिक्कत पैदा करती है, और जैसे जैसे लोग खेलते हैं हंसते हैं मुझे इतनी उलझन होती है कि मेरा मन करता है कि उन पर हमला कर दूँ, उनको मार डालूँ, और ये भावना मेरे अंदर रहती है। और घर में भी कई बार मैंने इस तरह की हरकत की है जिसकी वजह से मेरे माँ बाप मुझे बचपन में मार चुके हैं, पीट चुके हैं, लिहाजा मैंने इस मन की बात को तो छिपा लिया, लेकिन ये जो मेरी दिक्कत है और जो मेरी परेशानी है ये कभी गई नहीं। इस परेशानी का इलाज मुझे ये मिला कि जो कोई भी हंस खेल रहा हो, जो भी खुश दिख रहा हो, उसका कत्ल कर दो। और उसने ये बताते हुए चेहरे की भाव भंगिमाएं, चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा कर लिया कि एक बार की पुलिस वाले भी घबरा गए कि आखिरकार ये लड़का क्या है। लेकिन खैर वो कहानी बता रहा था, उसने बताया कि सबसे पहले कैसे उसने गांव के एक लड़के को कत्ल किया। उस वो दिन याद करने लगा जिस दिन उन बच्चों के साथ वहां पर खेल रहा था, सारे लोग हंस मिल कर के खेल रहे थे और ऐसे में उसको गुस्सा आना शुरू हुआ। उसने बहाने से उस लड़के को किनारे बुलाया और बोला चलो वहां मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूं। जब उन बच्चों की आँखों से ओझल हो गया और घास फूस के पुआल के पीछे वो ओट में था, उसी समय उसने उसको गिरा दिया ज़मीन पर और उसके बाद उसका गला दबाना शुरू किया। जब गला दबाया तो बच्चा चिल्ला रहा था, तो अमरजीत ने जो बताया वो बेहद डरावना था। अमरजीत ने बताया कि जब उस लड़के को उसने ज़मीन पर गिराया और वो डर के रो रहा था, मैं उसका गला दबा रहा था तो जो आवाज़ निकल रही थी, जो चीख निकल रही थी, उससे उसको बहुत खुशी मिल रही थी, और इस खुशी को हासिल करने के लिए उसने गले को और कस के दबाना शुरू कर दिया। और जब गला दबाने के बाद वो लड़का बेहोश हो गया तो उसको पहली बार डर लगा कि कहीं कोई देख लेगा, जान लेगा तो मुश्किल हो जाएगी।
लिहाजा उसने पास पड़े हुए पत्थर से तब तक उसके सर पर वार किया जब तक कि चेहरा नहीं बिगड़ गया, और इसी चेहरे को बिगाड़ने के लिए उसने तमाम लोगों को ऐसे ही मारा। इसके बाद उसने गांव के एक और लड़के को मारा, उसके बाद उसने और लड़के को मारा, यानी 3 लड़कों को मार दिया। लेकिन उसके बाद भी उसने जो घटना बताई उसने सबके रोंगटे फिर से खड़े कर दिए। लेकिन उन 3 लड़कों को मारने के बाद किस तरह से उसने अपनी बहनों को मारा और आखिरकार क्यों अपनी दोनों बहनों को मारा, ये जानने के बाद लोग घबरा गए। दरअसल उसने बताया कि जब ये बच्चों के गायब होने का सिलसिला चल रहा था तो तमाम लोग डरे हुए थे, बच्चों को बाहर खेलने के लिए निकलने नहीं दे रहे थे। लेकिन अपने घरों में लोग बच्चे अपने अपने भाई बहनों के साथ रहते थे। उसी दौरान हम लोग छत पर खेलते थे, मेरे दोनों बहनें भी साथ में खेलती थीं, तो मैंने फैसला किया कि बाहर जाने की तो मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी, लिहाजा मैं अपनी बहनों को ही निशाना बना सकता हूँ। तो मैंने अपनी सबसे पहले अपनी छोटी बहन जिसकी उम्र 5 साल थी उसको निशाना बनाया, उसी तरीके से घर के पीछे ले गया, वहाँ पर उसको मारा और उसके बाद एक गड्ढे में मिट्टी के नीचे उसको दबा दिया। दूसरी बहन को भी ऐसे निशाना बनाया, लेकिन उसकी लाश को मैंने पास के खेत में डाल दिया और वहाँ पर उसी तरीके से उसके चेहरे को बिगाड़ा, उसी तरीके से उसकी जो गले को नस को दबाया। और जब वो रो रही थी तो मुझे कुछ ज़्यादा ही खुशी मिल रही थी, जबकि वो मेरी सगी बहन थी। तो ये बातें जान करके पुलिस वाले तो हैरान थे ही, परिवार वाले भी बेहद डर गए और बेहद हैरान रह गए कि आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन यही सच था। और ये जो कहानी सुनने के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो जैसा अमरजीत ने बताया था वैसा ही उनको मिला। गाँव के बाहर और लाशें मिली, वही तरीका, उसी तरीके का कत्ल, उसी तरीके से बिगड़ा हुआ चेहरा, और जैसे अमरजीत ने सब कुछ बताया था उसी तरीके से एक एक बात सच निकली। अब ये घटना जानने के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई, लोग गांव में आने लगे कि आखिरकार कौन ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र महज 8 साल है और वो लगातार कत्ल कर रहा है। चर्चा बाहर देश विदेश के मीडिया में भी आई। उसके बाद इस घटना के बारे में जानने के लिए, इस बच्चे की साइकोलॉजी समझने के लिए डॉक्टरों का एक दल भी आया। मनोचिकित्सकों ने इसको जांच करने के बाद बताया कि एक तरीके की बीमारी है। ये बीमारी इस बात की है कि दूसरे की खुशी देख करके लोग इतना ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि वो नुकसान करने के लिए सोचने लगते हैं। इसके हज़ारों किस्से होंगे जिसमें लोग इसलिए दूसरे का कत्ल कर दिया या नुकसान कर दिया क्योंकि उनकी खुशी उनसे नहीं देखी जा रही थी। लेकिन इतनी कम उम्र में किसी ने किसी के साथ इस तरह की वारदात की हो, इस तरह से कत्ल किया हो और जान अपने ही बहनों भाइयों की ले ली हो, ये ऐसा सुनने को नहीं मिलता है। लेकिन बेगूसराय का ये किस्सा आज भी एक रहस्य है कि आखिरकार मनुष्य का दिमाग किस तरह से और कैसे इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है कि अपना पराया कुछ नहीं देखता, वो भी इतनी कम उम्र में। और ये केस एक ऐसा केस है जिसको दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर के रूप में जाना जाता है। अमरजीत का नाम दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर के नाम से आज भी दर्ज है। अमरजीत को इस घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन चूंकि माइनर था, नाबालिग था, इसलिए 3 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं हो सकती थी। 2007-08 के बीच जब उसको गिरफ्तार किया गया उस वक्त भी वो माइनर था, 8-9 साल की ही उम्र थी, लिहाजा उसको 3 साल के लिए बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। उसके बाद वो सज़ा पूरी करने के बाद अब कहाँ है ये कोई नहीं जानता। हो सकता है किसी के आसपास, किसी और गांव में, किसी और शहर में, किसी और कस्बे में, बच्चों के आसपास, बड़ों के आसपास अमरजीत आज भी टहल रहा हो। ये डरने की बात नहीं है, लेकिन सचेत रहने की बात है कि अमरजीत और अमरजीत जैसे बहुत से लोग आज भी खुले में घूम रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सनकी अपराधी की तरह अपराध करते हैं, ये वो लोग हैं जो सीरियल किलर कहलाते हैं, ये वो लोग हैं जिनको दूसरों के दर्द में, दूसरों की तकलीफ में ऐसा मज़ा आता है कि बिना किसी फायदे के वो बेरहमी से कत्ल करते हैं। तो ये कहानी थी अमरजीत की, उस लड़के की जिसकी उम्र महज 8 साल थी, लेकिन उसने उस उम्र में एक ऐसा अपराध, ऐसा जघन्य अपराध करने का रास्ता चुना कि आज भी उसको दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर जाना जाता है। तो एक सबसे कम उम्र वाले सनकी सीरियल किलर की ये थी कहानी आज की। अगली बार फिर किसी हैरान करने वाली कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।